हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 107। ये वर्कशीट क्लास दो की हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग रिमझिम पुस्तक के पाठ अधिक बलवान को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। और आज की वर्कशीट में हमें सीखना है वाक्य बनाना। तो वाक्य बनाना हम कैसे सीखेंगे, पहले हम देखते हैं कि वर्कशीट में हमें क्या बताया जा रहा है। तो कह रहा है, नमस्ते बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा था कि हवा ने सूरज से कहा मैं ज़्यादा बलवान हूँ। पीछे की वर्कशीट में हमने पढ़ा ना, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। सूरज ने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कुछ वाक्यों के उदाहरण हैं। आइए आज हम भी कुछ वाक्य बनाएं। तो चलिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। और ये वाक्य हमें कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे सूरज चमक रहा है, ओके, यहाँ ना सूरज चमक रहा है, तो यहाँ दिया गया है सूरज चमक रहा है, तो आपको। और इसके बाद दूसरा है, मोर एक सुंदर पक्षी है, तो आपको लिखना है मोर एक सुंदर पक्षी है। आप इसमें लिखेंगे मोर एक सुंदर पक्षी है, ओके। उसके बाद है अखबार, तो अखबार में आप क्या देख रहे हैं कि मोनू अखबार पढ़ रहा है, तो आप यहां लिखेंगे मोनू अखबार पढ़ रहा है। इस तरह से हमने दो वाक्य बना लिए। उसके बाद यह पतंग है, और यहाँ पतंग भी है, तो आप इसमें लिखेंगे यह पतंग है, यह पतंग है। उसके बाद देखिए यहाँ है कि मीना रस्सी कूद रही है, तो आप लिखेंगे मीना रस्सी कूद रही है। कूद रही है, तो इस तरह से हमने सारे वाक्य बना लिए। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें प्रश्न दो में क्या करने हैं। तो प्रश्न दो आपके लिए निर्देश दिया गया है कि आइए बच्चों, हम कुछ वाक्य खुद बनाएंगे, जिनमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं गर्मी, तो गर्मी से वाक्य बनाया हमने कि गर्मी लगने पर आदमी को कोट उतारना पड़ा, तो ओके। उसी तरह से अब हम लोग हवा से वाक्य बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हवा ठंडी है, हवा ठंडी है। उसके बाद है आदमी, तो आदमी लिख सकते हैं, आदमी लंबा है, लिख सकते हैं ना आप, आदमी से वाक्य बना सकते हो, आदमी लंबा है। उसके बाद ताकत, तो मुझ में ताकत है, मुझ में ताकत है। और उसके बाद है बलवान, तो आप ये भी लिख सकते हो मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तो इस तरह से आपने खुद से वाक्य बना लिए। अब बच्चों आपके लिए दीपावली पर कुछ संदेश हैं, और संदेश यह है कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होती है, इसलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और इसी को लेकर आज संकल्प लेना है, प्रण लेना है कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने। तो चलिए हम प्रण लेते हैं, और हम बोलेंगे साथ साथ, हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं
और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। तो बच्चों, ये था आपका संकल्प और आपके लिए कुछ संदेश भी है। से नो टू क्रैकर्स, आप पटाखे नहीं चलाएं, पटाखों से दूर रहें, बी फेयर, साफ रहें, डोंट पॉल्यूट द एयर, और हवा को प्रदूषित नहीं करें। उसके बाद आपके लिए कोविड 19 से अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।